हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ जोगटा अकेडमी। दिस इज़ मी हरजिंदर सिंह। आज मैं आपके सामने क्वेश्चन 23 सीरीज़ की कंटिन्यूशन में जनरल साइंस का तीसरा लेक्चर लेके आया हूँ, जिसमें हम आज साउंड के बारे में डिस्कस करेंगे एमसीक्यू के थ्रू। पर लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके सामने एक अनाउंसमेंट लेके आया हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा चंडीगढ़ ब्रांच में 21 अप्रैल से फाउंडेशन बैच स्टार्ट होने जा रहा है। तो आप दिए हुए नंबर पे हम पे कंटेक्ट कर सकते हैं 9779464470। तो चलिए आज का लेक्चर हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा लेक्चर रहेगा वो साउंड के ऊपर बेस है। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि साउंड किस तरह की वेव है, कहाँ कहाँ पे प्रोपेगेट करती है, किस मीडियम में ज़्यादा प्रोपेगेट करेगी, कहाँ पे इसकी वेलोसिटी कम होगी। तो उसके सारे पॉइंट्स हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं थ्रू एमसीक्यू। तो हमारे पास आज जो पहला क्वेश्चन है, तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन रहने वाला है। यहाँ पे देखो, तो साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं फर्स्ट आपके सामने। तो हमें बोला गया है कि साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, साउंड किसकी वजह से प्रोड्यूस होगी। तो पहला ऑप्शन है रिफ्रैक्शन, सेकंड आपके पास दे रखा है वाइब्रेशन, थर्ड इज रोटेशन एंड लास्ट वन इज रिफ्लेक्शन। तो स्टूडेंट, आपको पता है कि इस साउंड की अगर हम यहाँ पे बात करें कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी भी मीडियम में वाइब्रेट करता है तो उस मीडियम के बाकी पार्टिकल्स में वो डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो आंसर रहने वाला है वो है वाइब्रेशन। तो जो साउंड प्रोड्यूस होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वाइब्रेशन के थ्रू प्रोड्यूस होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहली जो स्टेटमेंट है, साउंड वेव इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल वेव, एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज साउंड वेव इज ट्रांसवर्स इन नेचर। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट हमारे पास दे रखी है, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हो मैकेनिकल वेव के बारे में बात की है और दूसरा यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव के बारे में बात की है। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताने जाता हूँ जो वेव्स के बारे में यहाँ पे हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, अगर जनरली हम वेव्स की बात करें तो वेव्स जनरली दो तरह की रहती हैं। कुछ ऐसी वेव्स हैं जिनको हम बोलेंगे मैकेनिकल वेव्स, और जो दूसरी टाइप की होती है दीज आर नॉन मैकेनिकल वेव्स। जो नॉन मैकेनिकल वेव्स हैं ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जो हम फर्स्ट लेक्चर में अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। जिसने वो लेक्चर नहीं देखा वो वहाँ पे विजिट कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। तो जो नॉन मैकेनिकल है वो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। अब यहाँ पे देखें इनको मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल क्यों बोला, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर हम यहाँ पे सबसे पहली बात करें तो मैकेनिकल से रिलेटेड यहाँ पे मीडियम, ओके, तो जिन वेव को प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, ओके, जिन वेव्स को प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ी वो मैकेनिकल वेव्स, और ऐसी वेव्स जिनको मीडियम की जरूरत ना पड़े, ओके, वो क्या कहलाई जाती हैं आपकी नॉन मैकेनिकल वेव। अब जो हमारा मेन टॉपिक रहने वाला है वो साउंड के ऊपर, तो साउंड इज ए मैकेनिकल वेव, क्योंकि साउंड को प्रोपेगेट करने के लिए एक मीडियम की जरूरत पड़ती है। तो अब यहाँ पे देखें जो मैकेनिकल वेव्स हैं, दीज आर जनरली ऑफ टू टाइप्स, वन इज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड अनदर वन इज ट्रांसवर्स वेव। बट अगर हम यहाँ पे बात करें नॉन मैकेनिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की, तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी बता दिया है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं दीज आर ट्रांसवर्स इन नेचर। बट जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो मैकेनिकल वेव्स के ऊपर रहने वाला है, जो कि साउंड है। तो मैंने आपको बताया मैकेनिकल वेव दो तरह की होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। अगर यहाँ पर हम साउंड की बात करें तो जो साउंड वेव है इट इज़ लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर। अब आप सोच रहे होंगे लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स क्या है, तो इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैसी होती हैं और जो ट्रांसवर्स वेव हैं वो कैसी होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स,
ये हमारे पास एक एनिमेशन यहाँ पे दी गई है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, मान के चलिए यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो ये जो बीच में पार्टिकल्स हैं ये क्या हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं ड्यू टू एनर्जी। तो साउंड क्या है, एक तरह से साउंड की बात करें तो साउंड इज ए प्रेशर वेव। ये क्या कर रही है, एक प्रेशर वेव है जो ये मीडियम में पार्टिकल्स हैं इनके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रही है। जैसे प्रेशर क्रिएट कर रही है तो पार्टिकल के थ्रू जो वेव है वो आगे की तरफ प्रोपेगेट हो रही है। अब ये तो हमने देख लिया, तो अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस आ रहा है। जैसे वेव आगे की तरफ प्रोपेगेट कर रही है तो यहाँ पे प्रेशर की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर हो रहा है, बीच में कम प्रेशर हो रहा है, आगे ज़्यादा प्रेशर और बीच में कम प्रेशर हो रहा है, ठीक है। तो जो साउंड वेव है ये एक प्रेशर वेव की तरह भी एक्ट करती है। आगे हम देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में कि होती क्या है। पहले तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, एक स्लिंकी है, आप देख सकते हो यहाँ पे। जैसे ही यहाँ पे स्लिंकी को आगे की तरफ कर रहे हैं तो वैसे ही एक वेव प्रोपेगेट हो रही है। आप देख सकते हो यहाँ पे, जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ पे क्या आ रहा है, कंप्रेशन, और जहाँ पे डेंसिटी कम है वहाँ पे रेयरफैक्शन। तो होती क्या है लॉन्गिट्यूडनल वेव, अब देखिए लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं। जब भी वेव प्रोपेगेशन की हम बात करें, मान के चलिए वेव प्रोपेगेट इस डायरेक्शन में हो रही है, एनर्जी प्रोपेगेट इस साइड को हो रही है, और अब जब वेव प्रोपेगेट हो रही है तो उसके लिए तो मीडियम की जरूरत पड़ी। जैसे ही मीडियम की जरूरत पड़ी तो इस केस में जो पार्टिकल्स हैं, इस मीडियम में जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन वाइब्रेट करेंगे या ऑसिलेट करेंगे। ओके, जैसे देखिए वेव इस तरफ को प्रोपेगेट हो रही है, मान के चलिए एक यहाँ पे पार्टिकल है, दूसरा पार्टिकल यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, तो इनकी जो वाइब्रेशन होगी वो अलोंग द प्रोपेगेशन ऑफ वेव होगी। तो उन वेव्स में जहाँ पे पार्टिकल की जो वाइब्रेशन है पैरेलल या फिर अलोंग द प्रोपेगेशन ऑफ वेव होती है, दीज आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं ट्रांसवर्स वेव की। तो यहाँ पे देखिए, अगेन हमारे पास स्लिंकी है, इसको इस तरह से हमने क्या किया, वाइब्रेट कराया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, इस केस में अगर हम ट्रांसवर्स वेव की बात करें तो मीडियम में पार्टिकल हैं, ये मीडियम में पार्टिकल हैं और एक साइड को वेव प्रोपेगेट कर रही है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो वेव प्रोपेगेशन है वो इस डायरेक्शन में है, बट जो मीडियम में पार्टिकल है उनकी जो वाइब्रेशन है इट इज़ परपेंडिकुलर टू द प्रोपेगेशन ऑफ वेव, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्रोपेगेशन ऑफ वेव। अब यहाँ पे देखिए, पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से आगे तरफ नहीं गया, वो अपनी मीन पोजीशन पे परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, ये 90 डिग्री वेव प्रोपेगेशन के क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। इफ द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इन ए मीडियम इज परपेंडिकुलर टू द प्रोपेगेशन ऑफ वेव देन इट इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स वेव, देन इट इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स वेव। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन था, साउंड वेव इज एन एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेव। यस, दिस स्टेटमेंट इज राइट। क्यों? क्योंकि साउंड को प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती थी, तो मैकेनिकल वेव है। सेकंड है, साउंड इज ए ट्रांसवर्स इन नेचर। नो स्टूडेंट्स, जो साउंड वेव है इट इज लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर। क्यों? क्योंकि जिस साइड को साउंड प्रोपेगेट कर रही है उसी साइड में जो मीडियम में पार्टिकल है उसके लॉन्ग वाइब्रेट कर रहे हैं। तो सेकेंड ऑप्शन इज रॉन्ग। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर रहेगा वो है ओनली वन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू हियर ए डिस्टिंक्ट इको द टाइम इंटरवल बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड रिफ्लेक्टेड साउंड मस्ट बी एट लीस्ट। तो यहाँ पे दे रखा है कि ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड के बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए। मतलब जब भी आपके कानों में कोई भी साउंड जाती है तो हमारे ब्रेन में कितने टाइम तक वो परसीव रहती है, पर्टिकुलर टाइम अगर हम यहाँ पे बात करें तो वो रहता है 0.1 सेकेंड या फिर 1/10 सेकेंड। तो जो हमारा ब्रेन है उसमें 1/10 तक कोई भी साउंड एक टाइम पे रहती है। अगर आप क्या करते हो, कोई पर्टिकुलर साउंड आपके ब्रेन परसीव की और 0.1 सेकेंड के अंदर दूसरी साउंड को फिर से अगर आ रही है तो उसको परसीव नहीं करता, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो है 0.1 सेकेंड या फिर 1/10 सेकेंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है,
जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आर साउंड वेव्स ट्रेवल फास्टेस्ट इन? तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो साउंड वेव्स है दीज आर मैकेनिकल वेव्स. अब किसी भी मीडियम में पार्टिकल जितना क्लोज होंगे, जितना क्लोजली पैक्ड होंगे, पार्टिकल वाइब्रेट उतने ही ज़्यादा होंगे और एनर्जी ट्रांसफ़र उतने ही फास्ट होगी. अगर हम यहाँ पे बात करें सॉलिड लिक्विड एंड गैस में, तो इसमें देखेंगे जो भी सॉलिड्स होगा उस केस में जो मटीरियल में पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही क्लोजली होते हैं. तो जब एनर्जी ट्रांसफ़र होगी एक पार्टिकल से दूसरे में तो ज़्यादा फास्ट होगी एज कम्पेयर टू लिक्विड, एज कम्पेयर टू गैस. तो यहाँ पे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फास्टली जो ट्रैवल करेगी साउंड वो सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, और जो लास्ट रहेगा वो है गैसेस में. तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो है सॉलिड्स. वैक्यूम में स्टूडेंट्स साउंड वेव ट्रैवल नहीं करती बिकॉज इट इज़ मैकेनिकल वेव. इसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू हियर ए क्लियर इको द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड द ऑब्जर्वर शुड बी. तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें बात की है कि जो मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए किसी भी साउंड की इको को सुनने के लिए वो कितना होना चाहिए. तो चलिए इसके ऊपर डिस्कस करते हैं. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए इस एनिमेशन में हमारे पास एक पर्सन है, इसके सामने एक ऑब्स्टेकल है. देखिए ये ऑब्स्टेकल हमारे पास माउंटेन रेंज हो सकती है कोई भी, या फिर कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग हो सकती है. तो आपने कई बार देखा होगा जब भी आप माउंटेन्स में जाते हैं, ट्रैकिंग पे जाते हैं, तो ऊंची पहाड़ पे हम कोई आवाज़ लगाते हैं तो कुछ टाइम बाद हमें वो सुनाई देती है. ओके, दैट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जनरली जो हम बात करें. तो यहाँ पे देखेंगे किसी पर्सन ने कुछ बोला तो जो ये साउंड है यहाँ से जाके रिफ्लेक्ट करके वापस उसी के पास पहुँच रही है, दैट इज़ इको. ओके, तो अब यहाँ पे देखेंगे हम, तो आपने एक फार्मूला पढ़ा है व्हाट इज़ डिस्टेंस. तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, हमारे पास डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम. तो यहाँ पे हम देखें, अगर यहाँ पे मान के चलिए ये जो डिस्टेंस है इट इज़ डी, तो जब ये इको सुनाई देगी वो कितने डिस्टेंस पास सुनाई देगी, पहले यहाँ से यहाँ तक डी चलेगा, ये साउंड रिफ्लेक्ट होकर डी डिस्टेंस फिर से चलेगी. तो जो टोटल डिस्टेंस बना डी एंड डी ये हमारे पास हो गया 2D. तो 2D डिस्टेंस हो गया. अगर यहाँ पे स्पीड की बात करें तो स्पीड ऑफ साउंड अगर हम जनरली बात करें 22 डिग्री सेल्सियस के करीब तो वो रहती है 344 मीटर पर सेकंड. और अगर हम टाइम की बात करें, जब भी आप दो साउंड्स को डिस्टिंग्विश करना है तो हमने अभी बात की थी परसेप्शन ऑफ हियरिंग होती है 0.1 सेकेंड. तो दो डिफरेंट साउंड्स में जब आप डिस्टिंग्विश करना चाहते हो तो उसके लिए हमको टाइम पीरियड चाहिए 0.1 सेकेंड का. तो हमने टाइम कितना लिया 0.1 सेकेंड. जब यहाँ पे 2D करके आंसर आएगा 344 × 0.1, तो यहाँ पे बन जाएगा 34.4. तो डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 34.4/2. इसको कट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 17.2 मीटर. तो जब भी हम बात करेंगे इको की तो मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस हमारे पास कितना होना चाहिए 17.2 मीटर. तो स्टूडेंट्स कुछ बुक्स में हमारे पास ये जो साउंड की बात करें 344, वो थोड़ा सा आगे पीछे भी हो सकता है. तो जो आंसर रहने वाला है उस केस में वो 70 के नियर बाय रहेगा. ओके, बट अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन जो आंसर है वो 17.2. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके पास 17.2 मीटर, कि मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए वो होना चाहिए 17.2 मीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं. अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, डेसिबल यूनिट इज यूज्ड टू मेजर द साउंड इंटेंसिटी, एंड नेक्स्ट वन इज एज पर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द सेफ नॉइस लेवल फॉर ACT इज 55 dB. तो देखिए स्टूडेंट्स जो हमारी पहली स्टेटमेंट है डेसिबल यूनिट इज यूज्ड टू मेजर द साउंड इंटेंसिटी, दिस इज करेक्ट. और रही बात WHO की, तो जो सेफ नॉइस लेवल फॉर ACT इज, इट इज नॉट 55 dB, इट इज 45 decibel. तो सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास रॉन्ग है, फर्स्ट हमारे पास राइट. तो आवर आंसर विल बी ए ओनली वन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्ट. यहाँ पे साउंड वेव की बात की जा रही है. अगर हम अपनी ऑडिबल रेंज की बात करें, ह्यूमन ऑडिबल रेंज,
तो देखो स्टूडेंट्स, जनरली तीन तरह की रेंजेस होती है साउंड की बात करें। एक होती है सोनिक, जिसको हम ऑडिबल रेंज भी बोलते हैं। सेकंड वन इज इंफ्रासोनिक रेंज, थर्ड वन इज अल्ट्रासोनिक रेंज। तो जो फ्रीक्वेंसी रेंज है 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज, इसको बोला जाता है ऑडिबल रेंज या फिर सोनिक रेंज। अगर ये रेंज, फ्रीक्वेंसी रेंज कम हुई 20 हर्ट्ज से, तो हमारे पास बोला जाता है इंफ्रा सोनिक रेंज। और अगर यही फ्रीक्वेंसी रेंज 20,000 हर्ट्ज या फिर 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा हुई, तो उसको बोलेंगे अल्ट्रासोनिक रेंज। तो यहाँ पे आप देखें तो ऑडिबल और सोनिक रेंज की वैल्यू 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज दे रखी है, इंफ्रासोनिक की वैल्यू लेस देन 20 हर्ट्ज, और जो अल्ट्रासोनिक रेंज है उसकी वैल्यू 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखें तो तीनों के तीनों ही स्टेटमेंट्स हमारे पास सही है। तो यहाँ पे ऑल पेयर्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैक्सिमम टाइम्स ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स। तो एक साइड को हमारे पास सोर्स ऑफ साउंड दे रखा है, और एक साइड को इनकी इंटेंसिटी दे रखी है, जो कि डेसिबल में दे रखी है। तो यहाँ पे रशल ऑफ लीव्स दे रखा है, ब्रीथिंग की बात हो रही है, नॉर्मल कन्वर्सेशन की बात हो रही है, मशीन शॉप की बात हो रही है, जेट प्लेन की बात हो रही है। तो हमें ऐसा बोला गया कि यहाँ पे जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड है वो कितनी रहने वाली है। तो आप खुद देख ले सकते हो, आप यहाँ पे ना थोड़ा सा चेक करें तो आपको पता है कि सबसे कम साउंड किस में होने वाली है। तो सबसे कम जो साउंड है यहाँ पे वो होने वाली है ब्रीदिंग। जब भी हम सांस लेते हैं तो उस केस में साउंड सबसे कम प्रोड्यूस होगी। ओके, तो आप यहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो, जो ब्रीदिंग है उस केस में जो साउंड रहने वाली है वो 10 dB रहने वाली है। और अगर हम यहाँ देखें कि सबसे ज़्यादा जो साउंड प्रोड्यूस होगी इस केस में, अगर हम देखें तो ये हमारे पास रहने वाली है जेट प्लेन की, क्योंकि जो जेट प्लेन है उसकी साउंड बहुत ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू बाकी। अगर हम यहाँ पे देखें तो जेट प्लेन की कितनी होने वाली है, तो जेट प्लेन की अगर हम देखें तो यहाँ पे 120 dB के करीब, जो सबसे ज़्यादा दे रखा है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चनों को जनरली हम किस मैथड से सॉल्व करते हैं, बाय एलिमिनेशन मैथड। तो हमारे पास दो हो गए, तो यहाँ पे कौन सी ऑप्शन है जिसमें सेकेंड का डी आ रहा है और जो फिफ्थ है उसका हमारे पास ए आ रहा है। तो सेकेंड का डी और देखा जाए फिफ्थ का ए, तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है। तो आप बाकी यहाँ से मैच कर सकते हो इजी वे में। तो हमने देखा कि अगर यहाँ पे 10 dB है तो फर्स्ट का ई आ रहा है, तो रशल ऑफ लीव 20 dB है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में भी पूछा गया था प्रीवियसली। आगे देखा जाए तो यहाँ पे नॉर्मल कन्वर्सेशन विच इज 60 dB, आगे देखा जाए मशीन ऑफ तो यहाँ पे दे रखा है इसका 100 dB। तो जनरल नॉर्मल कन्वर्सेशन की बात करें तो हमारे पास रहता है 30-60 dB के अंडर, और मशीन शॉप की यहाँ पे बात करें तो मशीन शॉप की जो यहाँ पे साउंड रहती है वो 100 से लेके 110 dB के बीच में रहती है। अगर यहाँ पे जेट प्लेन की बात करें तो जेट प्लेन 120-130 के बीच में एक तरह से रहता है। तो इस तरह से हमारा जो आंसर है दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले स्टूडेंट्स, यहाँ पे डेसिबल स्केल दे रखी है, इसका आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है। यहाँ पे हमारे पास कुछ साउंड्स की यूनिट दे रखी है और उसके यहाँ पे यूज दे रखे हैं। यहाँ पे कुछ साउंड की यूनिट है डेसिबल को छोड़ के, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछ ली जाती है। यहाँ पे दे रखा है सोन, फोन, हर्ट्ज एंड वाट पर स्क्वायर मीटर। तो दीज आर ऑल द यूनिट्स ऑफ साउंड। तो अब साउंड के केस में हम बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी की बात कर सकते हैं, वहाँ पे इंटेंसिटी की बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए एक तरफ को सोन, फोन, हर्ट्स एंड वाट पर स्क्वायर मीटर ऐड ऑन किया और इनके यूज दे रखे हैं कि कहाँ पे ये यूज होगी, कि लाउडनेस के लिए यूज होती है या फिर फ्रीक्वेंसी के लिए यूज होती है या फिर आपकी इंटेंसिटी ऑफ के लिए यूज होती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए, सोन की बात करें तो इट इज ए यूनिट ऑफ सब्जेक्ट लाउडनेस ऑफ द साउंड। ओके, सोन इज द यूनिट ऑफ सब्जेक्टिव लाउडनेस ऑफ साउंड, कितनी लाउड कोई साउंड है, दैट इज यूनिट इज सोन। सेकेंड वन इज फोन, फोन ए यूनिट ऑफ परसीव्ड लाउडनेस लेवल ऑफ साउंड। देखिए स्टूडेंट्स, हर एक ह्यूमन की अगर हम बात करें तो उसकी जो लाउडनेस होती है वो अलग तरह से परसीव करता है। अब देखिए कोई भी सोर्स है उसने कितनी लाउडनेस क्रिएट की और
कोई भी जो रिसीवर है, मान के चलिए ह्यूमन अपनी ही बात करें, तो हर एक पर्सन के लिए जो परसेप्शन लेवल होगा लाउडनेस का वो अलग अलग होगा। जो परसेप्शन लेवल ऑफ लाउडनेस है वो अलग अलग होता है। उस केस में अगर हम बात करें परसीव्ड लाउडनेस बाय ऑफ साउंड, उसी यूनिट जो रहती है वो होती है फोन। ओके, लास्ट वन थर्ड हमारे पास दे रखा है हर्ट्स। हर्ट्स जो है हमारे पास यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड है। अगर हम लास्ट की बात करें वाट पर स्क्वायर मीटर, तो वाट पर स्क्वायर मीटर की अगर हम बात करें तो जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड होती है इट इज इक्वल्स टू पावर अपॉन एरिया। कितनी पावर कितने एरिया के ऊपर यहाँ पे पड़ रही है। जैसे हम यहाँ की बात करें साउंड की, ये एरिया है हमारे पास, कोई भी एरिया मान लीजिए, यहाँ पे कितनी पावर आ रही है किसी भी साउंड की, तो पावर पर यूनिट एरिया इज नोन एज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो यहाँ पे पावर की यूनिट की बात करें तो पावर की यूनिट हमारे पास वाट होती है, और यहाँ पे एरिया की बात करें एरिया की यूनिट स्क्वायर मीटर होगी। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा वाट पर स्क्वायर मीटर। तो वाट पर स्क्वायर मीटर इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो यहाँ पे देखा जाएगा तो सारी के सारे जो मैच है एक दूसरे के सामने दे रखे हैं। तो फर्स्ट का ए होगा, सेकंड का बी होगा, थर्ड का सी होगा एंड फोर्थ का डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। एक्रोनिम फॉर सोनार इज साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार इज ए डिवाइस दैट यूज इंफ्रासोनिक वेव्स टू मेजर द डिस्टेंस डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम सोनार की बात करें तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग विच इज करेक्ट, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें तो जो सोनार है वो यहाँ पे इंफ्रासोनिक वेव्स यूज नहीं करता, वो अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज करता है। जहां पे सोनार में जो वेव्स यूज होती हैं दैट इज अल्ट्रासोनिक, जिनकी फ्रिक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज़ से ज्यादा होने वाली है। आप 20 किलोहर्ट्ज़ बोल सकते हैं या फिर 20,000 हर्ट्ज़ बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इंफ्रासोनिक दे रखा है, बट आगे देखा जाए डिस्टेंस डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट, ये तो सही है। सेकंड स्टेटमेंट में आधी जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, बट आधी क्या है करेक्ट है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इनकरेक्ट, क्योंकि इंफ्रासोनिक की जगह क्या होना चाहिए, अल्ट्रासोनिक होना चाहिए। बट जो एक्रोनिम है इट इज़ राइट, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट एंड सेकेंड इज फॉल्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट रहेगा वो है ओनली वन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए आपके पास एक एनिमेशन है, तो इसमें हमारे पास क्या दे रखा है, यहाँ पे एक शिप है, यहाँ से अल्ट्रासोनिक वेव्स जनरेट हो रही हैं। जैसे अल्ट्रासोनिक वेव्स जनरेट हो रही हैं तो बीच में हमारे पास मान के चलिए कोई ऑब्स्टेकल आ गया। जैसे कोई ऑब्स्टेकल आता है तो उस ऑब्स्टेकल से वापस ये रिफ्लेक्ट बैक होके कहाँ पे आती है, उस शिप तक आती है, ठीक है। तो इसलिए कहाँ पे यूज हो सकती है सोनार, सोनार यूज होता है जहाँ पे भी आप ओशन के बारे में, उसकी डेप्थ के बारे में पता करना है। मान के चलिए कहीं पे आप कोई और सबमरीन है या फिर कोई ऑब्स्टेकल है उसके बारे में आपको पता करना है, तो वहां पे किसका यूज किया जाता है, सोनार का यूज किया जाता है। ओके, अब हमारे पास स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवर्बरेशन इज ए फिनोमेना एसोसिएटेड विद। तो व्हाट इज रिवर्बरेशन, तो रिवर्बरेशन क्या होती है स्टूडेंट, इसके बारे में देख सकते हैं। तो आपके सामने एक एनिमेशन दिखाई जा रही है, तो यहाँ पे देखिए मान के चलिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक बैलून है। अब जैसे ही बैलून को बस्ट किया, ठीक है, जैसे ही यहाँ पे बैलून को वस्ट किया तो उससे बहुत सारी साउंड्स वेव यहाँ पे प्रोड्यूस हुई। जब बहुत ही सारी साउंड वेव्स प्रोड्यूस हुई तो यहाँ इस रूम में नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस आई, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस आई, तो उस रूम में आपको क्या सुनाई देगा, अपनी ही इको मल्टीपल टाइम्स। हम इसको यहाँ पे इको नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ इकोस हो रही है, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस हो रही है। जब भी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस आपको साउंड वेव की सुनाई देती है उसी को ही हम क्या बोलते हैं, रिवर्बरेशन बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ आंसर रहने वाला है वो है मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज रिवर्बरेशन। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बात की है मैच द फॉलोइंग। इसमें कुछ स्पीड की बात की है, सबसोनिक,
ट्रांसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक और यहाँ पे मैक नंबर की बात हो रही है। ओके, तो मैक नंबर को अगर हम यहाँ पे बात करें ना, तो मैक नंबर जनरली यूज़ किया जाता है एयरक्राफ्ट्स के बीच में जहाँ पे, या फिर मिसाइल की बात करें, उनकी स्पीड की बात करें, तो मैक इज़ नथिंग बट ये यूज़ किया जाता है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जो मैक नंबर होता है इट इज़ जनरली इक्वल्स टू स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट टू द स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट टू द स्पीड ऑफ साउंड। तो साउंड के कंपेरिजन में, इन रिलेटिव टू साउंड, विद रिस्पेक्ट टू साउंड, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, मैक नंबर होता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड स्पीड ऑफ साउंड के इक्वल है, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड स्पीड ऑफ साउंड के इक्वल है, मान के चलिए हम स्पीड ऑफ साउंड ले रहे हैं 344, तो ऑब्जेक्ट की स्पीड भी 344 मीटर पर सेकेंड है। कहाँ पे कोई भी ले लीजिए, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, तो इसको आंसर कट करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है, यहाँ पे जनरली 1 आ रहा है। जब भी ऑब्जेक्ट की स्पीड स्पीड ऑफ साउंड के बराबर है तो उस केस में जो मैक नंबर आता है वो कितना आता है, 1 आता है। अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड कम होगी स्पीड ऑफ साउंड से तो उस केस में जो मैक नंबर है वो लेस देन 1 होता है। अगर मैक नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इट मीन्स जो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट है वो स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा है। तो उसी को बेस पे हम यहाँ पे देखें तो कुछ यहाँ पे टाइप दे रखे हैं, सबसोनिक स्पीड, ट्रांसोनिक स्पीड, सुपरसोनिक एंड हाइपरसोनिक। तो यहाँ पे अगर एक चीज़ देखें तो जो सबसोनिक स्पीड्स होती हैं हमारे पास, सबसोनिक जो स्पीड होती हैं उनका जो मैक नंबर होता है वो लेस देन 1 होता है। अगर हम ट्रांसोनिक की बात करें तो ट्रांसोनिक वेव्स का जो मैक नंबर होगा वो राउंड अबाउट 1 के करीब होता है, 1 तो नहीं होता बट 1 के नियर बाय होता है। सुपरसोनिक की बात करें तो सुपरसोनिक के केस में मैक नंबर इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 होगा। जनरली ये जो मैक नंबर है ये लाई करता है आपका 3 and 1 के बीच में, अगर हम जनरली बात करें तो। ओके, जो हमारे पास सुपरसोनिक होती है। अगर हाइपरसोनिक मिसाइल, सॉरी हाइपरसोनिक स्पीड की बात करें तो इसका जो मैक नंबर होता है वो ग्रेटर देन 5 होता है। तो यहाँ से मैच ऑफ द फॉलोइंग करते हैं, तो सुपरसोनिक सबसोनिक के केस में हमारे पास लेस देन 1, ट्रांसोनिक की मैंने बात की, ट्रांसोनिक का राउंड अबाउट 1 के करीब रहता है, सुपरसोनिक का ग्रेटर देन 1 और हाइपरसोनिक का ग्रेटर देन 5। तो यहाँ पे देखा जाए 1 का D, ठीक है, 1 का D, सेकंड का C, थर्ड का B, फोर्थ का A, तो राइट आंसर इज D। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आज का लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाइए ताकि उनको भी आगे कॉन्सेप्ट के बारे में क्रिस्टल क्लियर नॉलेज हो जाए। तो इस तरह से आज का लेक्चर था, थैंक यू सो मच।